शासन के निर्देश पर राजस्व एवं आपराधिक मामलों के निपटारे के लिए प्रत्येक माह के पहले और तीसरे शनिवार को प्रत्येक थानों पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया जाता है, जिसके तहत शनिवार को जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन एवं एसएसपी डॉ. सुनील गुप्ता के नेतृत्व में सैजनवा थाना परिसर में जिला स्तरीय थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें आए काफी संख्या में फरियादियों की फरियाद को सुनते हुए जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस दौरान डीएम ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि 15 दिन के भीतर इनकी समस्याओं का निराकरण करते हुए आख्या प्रस्तुत करें। इस दौरान राजस्व विभाग, नगर पंचायत, बिजली विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गौरवपुनी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, सर जी, जिस तरह आपको पता ही है कि ये शनिवार के दिन जो तीसरा शनिवार होता है उस दिन थाना दिवस होता है और उसमें रेवेन्यू और पुलिस के दोनों अधिकारी मौजूद होते हैं। सभी थानों में एक कवायद की जाती है और ओपन दरबार टाइप का होता है, एनीबडी कैन कम। तो बहुत सारी जनता आती है और अपनी समस्याएं सामने रखती है, जो मिली जुली समस्याएँ होती है जिसमें पुलिस के भी होते हैं और रेवेन्यू के भी होते हैं। तो आज इसी सिलसिले में हम और डीएम गोरखपुर साहब जो है थाना सैजनवा में बैठे थे संपूर्ण समाधान दिवस के रूप में, और वहाँ पर जो भी लोग आए उनको हम लोगों ने बहुत धैर्य से सुना और सभी के लिए उचित दिशा निर्देश दिए और टीमें गठित करके और जो मौके पे जो कार्रवाई की जा सकती है उस पर कर।